एक बार एक आम सहमति बन जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। पर जीतन राम मांझी इन दिनों अलग सुर अलापे हुए हैं, दो मंत्रालय मांग रहे थे। भाई मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले कम हो पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के, अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि मांझी जी हो सकता है कहीं कोई खेला ना कर दें, आरजेडी के साथ चले जाएं। मुझे नहीं पता कि कौन खेला करेगा नहीं करेगा, तो खेला होने की पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये सारी देखिए गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातें हैं, इसको सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा करने से सिर्फ नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी बातचीत गठबंधन के घटक दलों और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल उनसे चल रही होगी। मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मांझी को सीएम बनाने तक के ऑफर दे डाले, कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाए मुख्यमंत्री बना देंगे। अब देखिए विपक्ष का घटक दल हमेशा गठबंधन हमेशा चाहेगा कि कोई ना कोई घटक दल टूट के उनके साथ जाए ताकि परसेप्शन की लड़ाई में वो जरूर आगे हो जाए। जैसा मैंने कहा मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।